हेलो व्यूअर्स, डेली हेल्थ टिप्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है मोटापे से है अगर आप परेशान तो इन सात चीज़ों के साथ लें एलोवेरा जूस। फ्रेंड्स, एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल त्वचा को निखारने के साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है, पर फ्रेंड्स कम ही लोगों को पता होगा कि एलोवेरा का जल वजन घटाने का रामबाण उपाय है। एलोवेरा को बीज से काटकर बहुत आसानी से उसका जल निकाला जा सकता है। आप चाहे तो इसे पानी के साथ निगल भी सकते हैं या फिर इसकी स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं। एलोवेरा में कई तरह के विटामिन, लवण, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, सैलिसिलिक एसिड और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि एलोवेरा के ये तत्व वजन कम करने में बहुत ही मददगार होते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हम सभी जान चुके हैं कि घर में लगा कांटेदार एलोवेरा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है और साथ ही साथ एलोवेरा बालों, चेहरे तथा शरीर के लिए भी काफ़ी ही लाभकारी है। पर क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा जल वज़न को कम करने की भी काम कर देता है? एलोवेरा जल में मौजूद तत्व वज़न बड़ी आसानी से और बिना पैसे खर्च के कम कर देगा। अगर आप नियमित तौर पर एलोवेरा का जूस का सेवन करेंगे तो आपका ना केवल मोटापा घटेगा बल्कि शरीर की अन्य बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एलोवेरा को आप किन किन चीज़ों के साथ मिक्स करके पी सकते हैं जिससे कि आपका मोटापा जल्दी ख़त्म हो सके। फ्रेंड्स, ये ध्यान दें कि एलोवेरा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसके साइड इफ़ेक्ट, उचित खुराक और यदि आप एलोवेरा को किसी दवा के साथ लेंगे तो क्या आपकी सेहत पर कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए। पहला, एलोवेरा जूस और फल का रस। एलोवेरा को काट कर उससे जेल निकाल लें और उसमें अपने मन पसंद कर कोई भी फल का रस मिलाकर पी लीजिए। दूसरा, प्लेन एलोवेरा जेल और जूस। दोस्तों, एलोवेरा को छिलकर उसका जेल निकाल लीजिए और उसे फ्रिज में अगली बार के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। आपको इसे सुबह हर खाने के 15 मिनट पहले हाफ कप जूस पीना होगा। इस जूस को एक या दो हफ्तों तक पिएं। अगर चाहे तो आप इसे एक चम्मच जेल को दिन में एक बार खा भी सकते हैं। फिर तीसरा है, एलोवेरा और नींबू। एलोवेरा की जेली को एक ग्लास में निकालकर उसमें नींबू पानी और थोड़ी सी शहद मिक्स करके पी लीजिए। नियमित रूप से पीने पर मोटापा जल्दी ही कम हो जाएगा। चौथा है, एलोवेरा और शहद। फ्रेंड्स, एक ग्लास एलोवेरा जूस में एक चम्मच शहद मिक्स कीजिए। इसे अच्छे से चलाएं और पी लीजिए। इसे नियमित रूप से पीने पर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आपके पेट ठीक हो जाता है और अत्यधिक फैट भी बर्न हो जाता है। पांचवा है, एलोवेरा और पानी। फ्रेंड्स, एक से दो चम्मच एलोवेरा जूस को पानी के साथ मिक्स करके पिएं। इसे दिन में एक बार ज़रूर पिएं। छठवा है, एलोवेरा फल और नारियल स्मूदी। दोस्तों, एक मध्यम आकार का एलोवेरा की पत्ती लीजिए। अब एक कप बादाम या फिर नारियल दूध, हाफ कप ताज़ा आम या फिर रसबेरी, हाफ चम्मच नारियल तेल, एक चम्मच शहद और एक चम्मच अलसी के बीच प्रोटीन पाउडर को मिक्सी में ब्लेंड करके दिन में एक से दो बार रोज़ाना पिएं।
आपको काफ़ी ही लाभ होगा। सातवां है ग्रीन एलोवेरा स्मूदी। दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को एक साथ ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। जैसे कि वो चीज़ें हैं, एक मुट्ठी धुली पालक, एक बड़ा टुकड़ा एलोवेरा, हाफ छिला हुआ खीरा, एक कप कटे आम या अनानास, दो छिले संतरे, 3/4 कप नारियल पानी, 5 से 6 आइस क्यूब्स, हाफ चम्मच स्पिरुलिना पाउडर मिक्स करके स्मूदी बनाएं और इसे दिन में 2 से 3 बार पी लीजिए। इससे आपका वज़न काफ़ी ही कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी 7 चीज़ों के साथ एलोवेरा मिक्स करके खा सकते हैं और अपना मोटापा घटा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय।